नमस्कार, मैं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक नई सोच। कश्मीर में आतंकवादियों ने फिर एक बार राजनीति से जुड़े लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ दिनों के भीतर दो सरपंचों और एक पंचायत प्रतिनिधि की हत्या चिंता का विषय है कि जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों ने केंद्रीय रिजर्व सुरक्षा बल के जवान की हत्या कर दी। पिछले तीन दिनों में यह चौथा आतंकी हमला है। आतंकियों ने ये हमले कश्मीर के श्रीनगर और पुलवामा जिले में किए। इन घटनाओं ने एक बार फिर घाटी के लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। श्रीनगर में आतंकियों ने पीटीपी सरपंच की घर में घुसकर गोली मारकर की हत्या, हमलावरों की तलाश तेज। घाटी में 24 घंटे के भीतर फिर एक सरपंच पर आतंकी हमला, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। कश्मीर में आतंकी हमलों से नेताओं में दहशत, एक सप्ताह में तीन सरपंचों की हत्या। कुलगाम पुलिस ने टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया, तीन आतंकी गिरफ्तार। कुलगाम में भाजपा नेता की आतंकियों ने की हत्या, हमलावरों की तलाश जारी। Militants using youngsters to carry out grenade attacks in Kashmir. जम्मू कश्मीर में धारा 370 को खत्म करने के बाद घाटी में आतंकवादी घटनाओं में ढाई गुना से ज्यादा की वृद्धि हुई है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि एक आरटीआई कार्यकर्ता रंजन तोमर के पूछे एक सवाल पर गृह मंत्रालय ने बताया है कि धारा 370 के हटने से पहले तीन महीने में केवल 21 आतंकवादी मारे गए थे, जबकि 370 के परिवर्तन के बाद के तीन महीनों में 58 आतंकवादी सुरक्षा बलों की गोलियों के शिकार हुए। इसके साथ ही धारा को निरस्त किए जाने से ठीक तीन महीने पहले यानी मई, जून और जुलाई 2019 में जम्मू कश्मीर में 115 आतंकी हमले हुए, जबकि कानून में परिवर्तन के बाद के तीन महीने यानी अगस्त, सितंबर और अक्टूबर की अगर हम बात करें तो इन तीन महीनों में 299 आतंकी हमले हुए, जो कि आतंकी हमलों में ढाई गुने की ज्यादा की वृद्धि थी। अनुच्छेद 370 को खत्म कर देने के बाद से केंद्र सरकार लगातार यह दावा करती रही है कि घाटी में अब आतंकी घटनाएं थम चुकी हैं, घाटी अब पूरी तरह से सुरक्षित है और हालात सामान्य हैं। लेकिन आए दिन होने वाले हमले को देखते हुए क्या कोई कहेगा कि सब कुछ सामान्य है? हकीकत यह है कि आतंकी संगठन पहले की तरह अपनी गतिविधियां जारी रखे हुए हैं। ऐसे में यह सवाल तो उठेगा ही कि आखिर घाटी में सुरक्षा है कहां और कौन सुरक्षित है। भले ही सेना और स्थानीय पुलिस आए दिन आतंकियों और उनके कमांडर को ढेर कर रही हो और सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करने के दावे किए जाते रहे हों, तो फिर ये आतंकी आ कहां से रहे हैं? गौरतलब है कि पिछले महीने पुलवामा और कुपवाड़ा में हुई मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के दो आतंकवादी मारे गए। इनके साथ एक और जो शख्स मारा गया उसकी पहचान एक पाकिस्तानी नागरिक के तौर पर हुई। तो क्या मान लिया जाए कि कश्मीर घाटी में जो घुसपैठ हो रही है वो पाकिस्तान की साजिश है? अभी हाल ही में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल ने दो पाकिस्तानी नागरिकों को प्रतिबंधित पदार्थों के साथ पकड़ने में सफलता हासिल की। बीएसएफ के जवानों ने 12 मार्च को अमृतसर सेक्टर में सीमा पर तारबंदी के आगे कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी। बीएसएफ के एक अधिकारी ने कहा कि जवानों ने देखा कि गेहूं की फसल के बीच से होते हुए दो व्यक्ति सीमा पर लगाए गए कटीले तार की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने उन्हें ललकारा और पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उनके पास से पीले कपड़े में लपेटा गया 2.76 किलोग्राम प्रतिबंधित पदार्थ और अन्य चीजें बरामद की गई। इससे पहले फिरोजपुर में भी एक पाकिस्तानी नागरिक पकड़ा गया था। इससे यह तो साफ है कि घाटी में घुसपैठ अभी भी हो रही है। कड़ी सुरक्षा के बाद भी सीमा पार से आतंकवादी घाटी में घुस रहे हैं, भले ही इनकी संख्या पहले के मुकाबले काफी कम हो। आतंकियों के सफाए के लिए घाटी में लंबे समय से सेना और सुरक्षा बलों का अभियान भी चल रहा है।
शायद ही कोई दिन ऐसा हो जब घाटी से आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की खबरें ना आती हों। लेकिन आतंकी हमलों का सिलसिला थम नहीं रहा है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि कुछ दिन पहले गायब हुआ युवक जब मुठभेड़ में मारा जाता है तो पता चलता है कि वो आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है। एनडीटीवी के अनुसार कश्मीर के टॉप पुलिस अधिकारी विजय कुमार ने मीडिया को बताया कि पिछले कुछ महीने में जम्मू कश्मीर में कम से कम 60 युवा अपने घरों से बहाने करके निकले और लापता हो गए। ये लोग यह कहकर गए थे कि ये किसी काम से बाहर जा रहे हैं, लेकिन अब गायब है। सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह बहुत चुनौती भरा रहा है। उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर के सभी मिसगाइडेड युवाओं से अपील कर रहे हैं कि हिंसा छोड़ें और मुख्यधारा में वापसी करें। हालांकि बाद में कश्मीर जोन पुलिस ने अपने बयान में घाटी से 60 लड़कों के गायब होने की खबर को भ्रामक और झूठा बताते हुए खारिज कर दिया। जाहिर सी बात है कि आतंकी संगठन युवाओं को अभी भी शामिल करने में लगे हुए हैं। आतंकी संगठन ने नए नए नामों से संगठन बना लिए हैं और उनका जाल गांव-गांव तक फैले होने की बातें सामने आ रही हैं। श्रीनगर की आतंकी घटना में कश्मीर टाइगर्स का नाम सामने आया। इसकी न्यू जैश के आतंकी अबू जान ने रखी थी। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि ऐसे संगठनों का कोई अस्तित्व नहीं है। सुरक्षा बलों को गुमराह करने के लिए अलग अलग नाम से छोटे छोटे समूह बनाए जा रहे हैं। पिछले 3 सालों में जम्मू कश्मीर में 4 नए आतंकी संगठन बन गए। कश्मीर टाइगर्स इनमें से एक है। इसके अलावा अन्य 3 आतंकी संगठन TRF, PFF और LEM हैं। हाइब्रिड आतंकियों की पौध भी चुनौती बनी हुई है। कश्मीर टाइगर्स की शुरुआत आतंकी संगठन जैश मोहम्मद के आतंकी रहे मुफ्ती अल्लाफ उफ्र अबू जार ने की। अल्लाफ जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है। इसकी जानकारी अल्ताफ ने खुद एक वीडियो के जरिए दी थी। अल्ताफ के मुताबिक उसके पास कई आतंकी हैं जो उसके लिए काम करते हैं। दावा किया गया था कि अल्ताफ के साथ वो आतंकी हैं जो जैश छोड़कर आए हैं। वारदातों को अंजाम देने के बाद आतंकी जंगलों में भाग जाते हैं, जहां उन्हें खोज पाना सुरक्षा बलों के लिए आसान नहीं होता। यानी कि सेना और सुरक्षा बलों की सबसे बड़ी चुनौती अब स्थानीय स्तर पर आतंकियों के नेटवर्क को ध्वस्त करना है। कश्मीर घाटी में पिछले 2 सालों में कई बड़े आतंकी हमले हुए हैं। दूसरे राज्यों से आने वालों पर भी आतंकी हमले हुए हैं। इन दहशतगर्दों का मकसद यही रहता है कि लोग खौफ में होंगे तो उनका गुस्सा पनपेगा और माहौल बिगड़ेगा। कहने को तो सरकार ने सभी पंचायत प्रतिनिधियों को सुरक्षा दी हुई है। सवाल तो इस बात का है कि नौजवानों को आतंकियों के जाल में जाने से कैसे बचाया जाए, उन्हें मुख्यधारा में कैसे लाया जाए। सरकार और सुरक्षा बलों के लिए दोहरी चुनौती है। जब तक विकास और रोजगार नहीं होगा, तब तक नौजवानों को आतंकी बनाने से कैसे रोका जाएगा। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान अपनी रणनीति में बदलाव कर रहा है। इसके तहत न केवल घाटी में युवाओं को बरगलाने बल्कि भारत के भीतर मौजूद धार्मिक दरारों का फायदा उठाने के लिए भावनाओं की आड़ ले रहा है, जिसे समझने की जरूरत है। वक्त रहते अगर पाकिस्तान की चाल को नहीं समझा गया तो हालात बुरे हो सकते हैं। आप हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।